हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डिजाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 फीट बाई 25 फीट में ये हाउस प्लान बना हुआ है, जो कि ईस्ट फेसिंग होगा, जो कि आप इस हाउस डिज़ाइन से 300 350 400 स्क्वायर फीट तक आप आइडिया ले सकते हैं, जो कि 38 गज में बना हुआ है। बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंगल फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बना हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 14 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई 25 फीट होगी। इस साइड देखो तो हमने इसका मेन गेट प्रोवाइड किया है। मेन गेट की एरिया की बात करें तो आपके 5 फीट का इस साइड देखो तो हमने गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर हो तो काफ़ी बड़ा हमें पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपके 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आपके बाइक वगैरह सब इजिली पार्क हो जाएगा। प्लस इस साइड देखो तो हमें यू शेप स्टेयर्स मिलेगा, ठीक बाहर से ही सेपरेट प्रोवाइड करा है हमने ग्राउंड फ्लोर। जो कि इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2 फीट होगी एक साइड की, और लंबाई की बात करें तो आपकी 8 फीट होगी। इसी के नीचे आप चाहें तो एक कॉमन टॉयलेट बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं। इस साइड देखो तो इसी से एंटर हो तो इसी के बाहर आए तो हमें काफ़ी बड़ा आपको किचन मिलेगा। किचन की एरिया की बात करें तो आपकी 4 फीट की साइड देखो तो हमने चौड़ाई प्रोवाइड करी है, और 8 फीट लंबा हमने किचन प्रोवाइड किया है। इसमें आपके रैक, चूल्हे, अलमारी, वाश बेसिन वगैरह सब इजिली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसमें एक विंडो प्रोवाइड किया, जो कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह आप इसी के द्वारा बाहर निकलती रही है। आप चाहे तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। इस साइड देखो तो हमने स्टेयर्स पे भी एक विंडो प्रोवाइड करा है, जो कि इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। स्टेयर्स के पास आप बेडरूम की बात करें तो ठीक किचन के बराबर में देखें तो हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम का गेट मिलेगा। इस साइड देखो तो हमने इसमें 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर हो तो काफ़ी बड़ा हमें बेडरूम मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो आपके बेडरूम के 13 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसमें लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, सोफ़ा वगैरह सब इजली एडजस्ट हो जाएगा, टेबल वगैरह। प्लस इस साइड देखो तो हमने अलमीरा का स्पेस प्रोवाइड करा है। इस साइड देखो तो एक हमें इसी से बेडरूम से अटैच एक टॉयलेट स्लैश बाथरूम मिलेगा, ये इसका गेट होगा। इस साइड देखो तो हमने इसमें 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर हो तो हमें काफ़ी बड़ा इस साइड देखें तो टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 4 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई जो होगी वो 8 फीट होगी। इसी में आपके बाथरूम, टॉयलेट शीट, वाश बेसिन वगैरह सब इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने एक विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि स्टेयर्स की तरफ से विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसकी टोटल अप्रोक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल 4 to 5 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ेगी, जो कि आप चाहें तो बना सकते हैं। फर्नीचर जो है इसमें इनबिल्ड है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।